आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जनता ने परिवर्तन किया और इस बार आम आदमी पार्टी को बहुमत से जिताया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम आते ही 10 काम करने के वादे किए थे, जिसमें साफ सफाई, स्कूल व्यवस्था, कूड़े की पहाड़ को हटाना, नालियों की सफाई जैसे कई काम शामिल हैं। इन्हीं मुद्दों पर बुराड़ी इलाके में महिलाओं से संजय सिंह ने बातचीत की और नतीजों को लेकर महिलाओं की राय भी जानने की कोशिश की। बुराड़ी इलाके की केशव नगर की रहने वाली नेहा का कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती थी और परिवर्तन के तौर पर आम आदमी पार्टी को जिता दिया। उम्मीद है कि जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो वादे पूरे नहीं होते तो विधानसभा में भी नगर निगम चुनाव की तरफ परिवर्तन हो सकता है और आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। केशव नगर की रहने वाली पूजा का कहना है कि उन्होंने काम के आधार पर ही वोट किया और यही सोचकर बदलाव भी जनता ने दिल्ली में करके दिखाया। अब बारी आम आदमी पार्टी की है। MCD में अगर काम नहीं किया तो जनता का विश्वास टूटेगा। उनका कहना है कि वह चाहती हैं जब घर से बाहर निकले तो उन्हें साफ सड़कें, साफ नालियाँ और साफ सुथरे सीवर व्यवस्था दिखाई दे, जो अब तक नहीं हो पाया। वही जड़ौदा इलाके की रहने वाली बिट्टू चौधरी का कहना है कि जनता ने बहुत ही पॉजिटिव सोचकर इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और अगर वो वादों को पूरा करेंगे तो उनके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा और उन्हें उम्मीद है कि जो सरकार इस बार MCD में आई है वो काफ़ी सुलझी हुई है और अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करके दिखाएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशपाल शर्मा है सर। ईशपाल जी, क्या देख रहे हैं आप इस एरिया के साफ सफाई को लेकर? इस एरिया में सर मैं देख रहा हूँ, मैंने जो अपने निगम पार्षद चुने हैं जो पहले से अच्छे काम करते चले आ रहे हैं, उस टाइम पर पार्टी में ज्वाइंट नहीं थे, अब पार्टी में ज्वाइंट हुए हैं आम आदमी में, तो मैं तो उनके चार चरित्र, इसूल, अच्छाई देख के हमने अपना जो निगम परिषद हैं उनको चुना है। अच्छे काम के लिए अच्छा करेंगे वो और हमें केजरीवाल जी से कोई उम्मीद नहीं है, अपने क्षेत्र का नेता है उससे उम्मीद है। जो वादे करते हैं वो अपने सही खड़े उतरेंगे तो हम उससे खुश रहेंगे। और जो जितने बिजली पानी फ्री की बात करते हैं, बिजली पानी जो है शीला दीक्षित के ज़माने में जैसा पानी पीने के लिए आता था वैसा उतना सुंदर पानी नहीं आता। कपड़े अगर धोते हैं तो वो भी बदबू मारते हैं, अगर इतना खरा उतरेंगे तो हमारे लिए वो ईश्वर बन जाएंगे, नहीं तो वो घास कूड़े के नीचे ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी, क्या लग रहा है, साफ सफाई की बात करी जाए, काम को किस तरह से देख रहे हैं? काम तो अच्छा ही हो रहा है। किस तरह से काम हो रहा है? काम अच्छा हो रहा है, बाकी अब ये है कि जो बने यहाँ के वो भी काम अच्छा ही करे, यही उम्मीद है। क्या लग रहा है, दिल्ली सरकार ने 10 गारंटी कार्ड लगाए हैं, क्या उसको किस तरह से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, हाँ जी। क्या लग रहा है, आपकी बात करी जाए यहाँ के पानी के नाले कर पाएंगे? बाकी अच्छा कर रहे हैं, उनका चीनी ही झाड़ू है तो करेंगे क्यों नहीं अच्छा काम। अच्छा, मतलब पूरे एरिया का किस तरह ध्यान देते हैं आप? सही अच्छा देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। मैं नेहा जी, अरविंद केजरीवाल जी के 10 गारंटी कार्ड लगाए हैं, क्या किस तरह से काम को आप देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छे से देखती हूँ कि हर काम को अच्छे से निभाएं, हर काम को वादे से निभाएं। जो भी काम के लिए मैं गई भी हूँ वहाँ ऑफिस में उनके, तो हर काम मेरे पूरे हुए हैं और आगे भी चाहती हूँ कि पूरे होंगे, उम्मीद करती हूँ कि पूरे करेंगे वादे जो उन्होंने किए हैं। सफाई की बात करी जाए, गंदगी की बात करी जाए, हाँ, किस तरह से आप देखते हैं? वो तो बहुत अच्छे से दिखते हैं कि साफ सफाई में खासकर वो करेंगे, माने अच्छे से सफाई करेंगे, अच्छे से वो उम्मीद को अपने पूरी करेंगे, जो वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे करेंगे। और इतना कह सकती हूँ वादे बहुत अच्छे किए हैं और हर काम को पूरे करे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। सर, मेरा नाम कस्तूरी लाल है। कस्तूरी लाल जी, अरविंद केजरीवाल जी जो 10 गारंटी कार्ड लगाए हैं, क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही लिखा गया है, इससे हमारे जो गरीब तबका है, मीडियम वर्ग है,
उनको बहुत सहूलतें मिलेंगी। क्या उस बसों काम को लेकर सही सलामत दिल्ली सरकार कर पाएगी? जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार इस टाइम स्कूलों पे, सफाई पे और बहुत ही जगह इन्होंने, पुलों पे, हर जगह इन्होंने काम करा है और आने वाले टाइम में लगता है कि दिल्ली को एक सुंदर नगरी बना देंगे। सफाई की बात करी जाए तो किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? साफ सफाई की बात करी जाए तो आज देखो नालियों में इतना कूड़ा भरा पड़ा था, अब आगे देखो सब नालियां साफ हैं, सीवर साफ हैं, गलियों में कोई गंदगी नहीं है, नहीं तो आप हमारे आजू बाजू देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू चौधरी नाम है मेरा और मैं यहाँ झड़ौदा में रहती हूँ। मैम क्या किस नज़र से आप देख रहे हैं यहाँ की जनता की बात करी जाए, यहाँ जिस तरह से समस्या है दिल्ली सरकार ने वादा किया था उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जो सरकार अभी आई है केजरीवाल जी की, काफ़ी पॉजिटिव रुख है पब्लिक का, मेरा अपना भी खुद का, और अगर काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादातर आम पब्लिक बहुत पॉजिटिव वे में ये इलेक्शन लिया है, जो बात हुई है बहुत अच्छा रुझान रहा है, अब अगर किए हुए वादे भी पूरे हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। समस्या की बात करी जाए तो क्या क्या समस्या है कि आप लोगों को? भाई समस्या है जैसे साफ सफाई है, नालियाँ बंद पड़ी हैं, गंदगी फैली हुई है, महिलाओं के लिए जो दिया गया बहुत सारा उनकी तरफ से कुछ जैसे बसों की सेवाएं हैं फ्री हैं, महिलाओं के लिए कुछ दी हुई व्यवस्थाएं हैं, है ना, अगर और ज़्यादा उनको ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी तो और ज़्यादा अच्छा रुझान होगा सबका। महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस नज़र से आप देखते हैं? महिला सुरक्षा देखिए, अब जो सरकार बनी है अगर वो ये दावा करती है कि भाई हम सारी चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है करेगी, क्योंकि जो इस वक्त आए हैं वो बहुत सुलझे हुए लोग आए हैं और मुझे लगता है कि पूरे करेंगे, जो वादे किए हैं ना पब्लिक से, जो वादे किए हैं आम जनता से वो पूरे करेंगे, पब्लिक खुश है। दिल्ली सरकार 10 गारंटी कार्ड लगाई है, उसको कितने काम होने की संभावना है? मुझे लगता है पूरे, पब्लिक बहुत खुश है। मैम जो नतीजे आए हैं नगर निगम में उसको लेकर के आप क्या कहेंगे और कितना मानते हैं कि काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा? देखिए काम के लिए सोचकर हमने केजरीवाल जी को वोट दिया है, क्योंकि पीछे बहुत जनता त्रस्त थी, सब जगह जब भी निकलते थे जहाँ से भी निकलते थे गंदगी रहती थी, रिश्तेदारों ने आना तक बंद कर दिया था यहाँ पर गंदगी के चक्कर में, तो यही सोचते हुए हम लोगों ने केजरीवाल जी को वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वादे किए थे कि सबसे पहले गंदगी साफ की जाएगी, तो यही हमने उम्मीद करी है। अब देखिए क्या होता है, ज़मीनी हकीकत पे कितने सही साबित होते हैं, कितना काम कराते हैं, नहीं तो आगे विधानसभा चुनाव तो आ ही रहे हैं, उसमें फिर उनको किसी तरीके से दिया जाएगा फिर वोट वगैरह। नहीं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे और कितना संतुष्ट है, काम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, प्राथमिकता क्या है, सबसे पहले कौन से काम होने चाहिए? देखिए काम की तो उम्मीद है, इसीलिए हमने जो है केजरीवाल जी को वोट दिया है, और सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो ये नाली गंदगी और ये सीवरेज का जो है मेन प्रॉब्लम यही है, फिलहाल ये क्लियर करें जल्द से जल्द, ताकि हम जो है आगे अगर नहीं काम हुआ तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो उसमें हम आप लोग अपना दोबारा परिवर्तन और जो हमारे वादे पूरे कर सकेगा उन्हें एक वो देंगे, वोट देंगे इस तरीके से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।